दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, देखो ट्रेडिंग तो हम रोज करते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और ये प्रेडिक्शन का वीडियो मैं कल ही बना दिया था, उसको आप लोग देख लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सफलता कैसे मिले, हम लोग सफल कैसे हों, सफलता कैसे मिले। आप सफल कैसे हो, आज हम लोग सफलता पर बात करेंगे कि भाई हम ट्रेडिंग में आए तो लगाया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, या फिर प्रॉफिट किया, यहाँ से प्रॉफिट किया, इधर लॉस किया, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस, इधर प्रॉफिट, इधर लॉस, इधर प्रॉफिट, इधर, क्या है ये ऑप्शन? ट्रेडिंग है ये ऑप्शन, है ना। इसमें तो चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, दोनों तरफ से आपको लॉस और प्रॉफिट होने वाले। तो हम लोग आज बोल ये कि सफलता कैसे मिलेगी। ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, लॉस प्रॉफिट तो कर रहे हैं, कभी लॉस हो जाता है कभी प्रॉफिट हो जाता है। सफल कैसे हो कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। देखो सफल होने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, कोई इतना जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना ही ज्यादा पैशन चाहिए, यानी उतना ही ज्यादा धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। ये आपका सफलता का सूत्र है, धैर्य। आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखोगे जितना ही आप धैर्य रख सकोगे उतना ही ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। आप ट्रेडिंग चालू किए, एक महीना, दो महीना, तीन महीना ट्रेडिंग, लॉस उठाए, भाग गए। इसीलिए बड़ा लॉस मत उठाइए, छोटा लॉस उठाइए और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। थोड़ा पैसा लगा के अगर लॉस होता है तो ये रेगुलर कंटिन्यू रखिए, सीखना आप चालू रखिए। सीखते रहेंगे, धीरे 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 एक्यूरेसी आएगी और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। पहले थोड़ा प्रॉफिट कर लेंगे, फिर बड़ा प्रॉफिट आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो उसके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा जरूरी है। तो इस हम आपको ये बताते हैं, धैर्य जो है, अगर आपके अंदर धैर्य है तो ही आप सफल हो पाओगे। लगन भी होना चाहिए, यानी एक्यूरेसी होना चाहिए। आपके अंदर ये भावना हो, ये लगाव हो कि हमको ये चीज करना है, उस पर आप नजर रखिए, उसको आप पढ़िए, उसको आप फील करिए। बराबर। और जब आप धीरे 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 सब चीजों को पहचानने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और ये जो ना शेयर मार्केट गंगा है, जैसे गंगा में पापी जाके पाप धोके आ जाता है, वैसे शेयर मार्केट में आके धीरे 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 जो गरीबी है वो धीरे 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 आपकी गरीबी जब खत्म हो जाएगी, एक दिन आप अमीर बन जाएंगे, एक दिन आप करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति ऐसे लिखेंगे 1 CR। तो इसके लिए एक्यूरेसी जरूरी है। और
देखो ये दुनिया ही गिव एंड टेक का है। आप अभी थोड़ा 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 दीजिए, फिर धीरे 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 आप जैसे एक्यूरेट होते जाएंगे, आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे से। फिर आपको एक पहले छोटा अमाउंट मिलेगा, फिर बड़ा अमाउंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। तो ये मार्केट की गंगा में आप नहाइए, अपने पाप धोइए, अपनी गरीबी हटाइए। और शुरू के दिनों में आपको सावधान रहना है, जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं उस टाइम में आपको सावधान रहना है कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा पैसा लगाना है। और जिस दिन इस गंगा को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आपका दरिद्रता आपकी दूर होने लग जाएगी। देखो तो इसमें एक कहानी है, रविदास जी थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप लोग सुने होंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक रविदास जी हुआ करते थे, संत रविदास आपने सुना होगा, संत रविदास जी। इनका क्या करता था, एक इनके पास कठौता होता था, उसके अंदर चमड़े होते थे, उसको पानी, उसमें पानी होता था और पानी में चमड़ा भिगा के वो अपना चमड़े का सामान बनाया करते थे। तो एक दिन एक महात्मा जी गंगा स्नान करने जा रहे थे, और वो महात्मा क्या थे, वो राज पुरोहित थे। राज पुरोहित यानी जो उस समय राजाओं का राज चल रहा था, राजा वाली प्रथा थी। तो वो जो राज पुरोहित जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और रविदास जी अपना चमड़ा पानी में भिगाए थे और अपना जो भी उनका सामान बता था बनाए बना रहे थे। तो महात्मा जी ने रविदास जी से बोला, भाई चलो भैया गंगा स्नान करके आते हैं। रविदास जी चलिए, तो महात्मा जी बोले कि महाराज हमारे पास तो समय नहीं है, आप 1 रुपया उनने दिया कि बोले ये 1 रुपया ले जाओ और गंगा जी में डाल देना, 1 रुपया गंगा जी में डाल देना और गंगा माँ से ये रुपया डाल देना, और उनसे बोलना कि रविदास बोले हैं कि 2 कंगन दे देना। तो बोले पंडित जी बड़े हैरान हुए, बोले अरे रविदास जी, गंगा माँ कंगन देंगी तुमको 1 रुपया के बदले में? बोले आप जाओ, एक गंगा वो डाल देना, 1 रुपया ये डाल के बोल देना कि रविदास ने बोला है कि कंगन दे दो। ठीक है, पंडित जी चले गए, स्नान किए, स्नान वस्नान करने के बाद उनको याद आया कि रविदास जो है 1 रुपया दिए हुए हैं, भैया उनका 1 रुपया डाल दूं। उनने क्या किया, 1 रुपया गंगा जी में डाल दिया, 1 रुपया डाल दिया उनने, और गंगा माँ से बोले कि रविदास जी बोले हैं कि 2 कंगन दे देना। अब देखो गंगा मैया, गंगा ही मैया निकली और 2 कंगन पंडित जी के हाथ में रख दी, बोले ले जाओ रविदास को दे देना। रविदास जी सोचे, अरे ये तो यार बहुत बढ़िया कंगन है, अरे उस रविदास को क्या पता कि गंगा माँ ने कंगन दिया कि नहीं दिया, वो कंगन, और वो कंगन को करेगा क्या, उसके पास इस कंगन, कितना सुंदर कंगन है, अगर इसको मैं राजा को दे दूंगा तो राजा हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो क्या किया, वो कंगन ले जाके रविदास को दे दिया, ओ सॉरी राजा को दे दिया। राजा ने वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। अब रानी वो कंगन पहन के अपना शान बना रही थी। तो एक दिन रानी साहिबा को ये हुआ कि गंगा स्नान करने जाएंगी। अब रानी साहिबा गंगा स्नान करने के लिए गई, तो उसमें से
गंगा जब में जब वो डुबकी लगाई तो उसमें से उनके एक हाथ का कंगन निकल के गंगा जी में चला गया। तो रानी आई, राजा को बोली, बोली ये कंगन जहां से लाए हो ये कंगन हमारा गंगा जी में चला गया, तो ऐसा ही कंगन हमको एक कंगन और बना के ला के दो। तो राजा वो पंडित जी को बुलाए, पंडित जी आए तो बोले कि पंडित जी से बोले कि भैया पंडित महाराज, रानी साहिबा का एक कंगन गुम हो गया है, जो कंगन आपने दिया था, अब इसका जोड़ी एक कंगन आप और ला दो। अब राजा कर, और पंडित जी करे तो क्या करें, उनने तो झूठ बोला था, उनने कंगन तो कंगन जो है रविदास ने गंगा माँ से मांगा था और रविदास की वजह से मिला था। तो पंडित जी हाथ जोड़े बोले महाराज ये कंगन मैंने नहीं, वो रविदास ने गंगा मैया से मांगा था और गंगा मैया ने दिया था। तो रविदास आए, पंडित जी आए, बोले ठीक है रविदास को बुला के लाओ। तो पंडित जी आए रविदास से कहने लगे, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। रविदास बोले, बोले राजा को बुला के हमारे यहाँ लाओ और मैं दूसरा कंगन दे देता हूँ, गंगा माँ से मांग के मैं दूसरा कंगन निकाल के दे देता हूँ। तो रविदास जाके राजा को बताए, तो राजा जो है, राजा रानी सब आए भाई वहां से रविदास के पास, बोले रविदास ऐसा ही कंगन चाहिए। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। रविदास जी वो अपने सामने जो पानी का कठौती रखे थे उसमें चमड़ा भिगाए थे, उसी से उसी के तरफ हाथ करके, हाथ जोड़ के बोले हे गंगा मैया ऐसी ऐसी बात है और एक कंगन आप हमको और दे दो। तो उस कठौते से गंगा निकली और कंगन रविदास को दे दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे रविदास जी ने गंगा मैया की सेवा किया, वैसे ही अगर आप मार्केट को सोचेंगे, समझेंगे, इसकी सेवा करेंगे तो आपको भी सोने के कई कंगन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन एक रुपए दे के कंगन लेना है, ये नहीं कि अपना घर वार बेच के और सब कुछ करके इसमें डुबा के तब लेना है, नहीं। आराम आराम से सीखते जाओ, आराम आराम से करते जाओ। ये शेयर मार्केट की गंगा है, सारे कंगालों को ये, आपकी सारी कंगाली ये भगाने वाली है। लेकिन आपको भी नियम कानून से ही रहना है, जैसे नियम कानून, जैसे गंगा की पूजा होती है कैसे कैसे होती है, कैसे लोग स्नान करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, किनारे में ही रहो। अगर बीच गंगा में कूद के डुबकी लगाने गए तो गंगा में वेग भी कितना होता है ये भी सोच लो। अगर बीच गंगा में गए तो फिर समझ लो कि डूब के मरे। इसलिए छोटे छोटे ट्रेड लो, एक एक जहाँ पे सेटअप बने वहीं लो। रोज रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, जब आपका सेटअप बनता है तब आप ट्रेड लो, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करो, कैपिटल बड़ा करो। जब आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते आते आप छोटे से बड़ा हो जाएंगे। यानी एक रुपये डाल के, रविदास के जैसे गंगा जी में एक रुपया डाल के और एक जोड़ी कंगन आप भी ले जाओगे। छोटा पैसा लगा के, एक छोटा सा अमाउंट लगा के आप एक बड़ा अमाउंट यहाँ से कमा पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको लगन, लगन के साथ धैर्य रखना है और लगातार रेगुलर सीखना है, कंटिन्यू एकदम सीखना है। कंटिन्यू आपको लर्निंग करना है। तो आप देखो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, सुन के समझ के पढ़िए। और धीरे 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 आप भी एक दिन काबिल बन जाओगे, आप भी एक दिन पैसे कमाओगे। तो दोस्तों अब आज का वीडियो देखो बड़ा हो रहा है, 14-15 मिनट का वीडियो हो गया, अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और
कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।